चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, या फिर दोपहर के लिए ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता और बहुत ही जल्द बनता है, लेकिन जो है इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब चावल लिए हैं। ये रेशन का चावल है, आप चाहे तो इसकी जगह कौन सा भी चावल ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें 2 से 3 पानी से धो लेना है, जब तक इसका साफ पानी ना निकले। इसमें बहुत धूल मिट्टी वगैरह होती है, और वैसे भी पॉलिश किए हुए अगर चावल है तो उसे भी अच्छे से हमें धोना पड़ेगा। तो अभी साफ पानी निकल गया था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है, 2 कप, और इसे ढककर रख देंगे हम पूरे रात भर के लिए। अगली सुबह आप देख सकते हैं इस तरह से ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं। आप इसमें और जो दालें आपको पसंद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन चावल से ही बना रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे हम। तो इसके ये चावल डाले हैं मैंने मिक्सी में, और थोड़ा सा हम यहाँ पे दही डालेंगे 1/2 कप के करीब, और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ पे, ये भी डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। दही पतला था इस वजह से ये जो बैटर है थोड़ा सा पतला हो चुका है, तो नेक्स्ट वाला जो हम बैच पीसेंगे उसे थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा भी मैंने पीस लिया है, इस तरह से इसे गाढ़ा रखा है। और बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन यूज़ करेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैंने स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब, इसे मिलाएंगे, और इसके बाद इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि बैटर फिर भी पतला है तो आप इसमें अभी बेसन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास चावल का अगर आटा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर बेसन ही यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ा सा मुझे पतला लगा था बैटर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये जो नाश्ता है आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन चावल का आटा भिगोने के बाद आपको 1 घंटा रखना पड़ेगा रेस्ट के लिए। बाकी सामग्री सेम रहेगी। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये बैटर बना लिया है। इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फटाफट से। मैंने एक पतीले में पानी भी रख दिया है उबलने के लिए स्टीमर में, और स्टीमर को ग्रीस भी कर लिया था पहले ही, स्टीमर की प्लेट को। तो अभी सब कुछ रेडी है, बाद में हमें सोडा डालना होता है किसी भी बैटर में। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्लेट में डाल दिया है ये बैटर, और कढ़ाई में हम चढ़ा लेंगे इसे। जब हम कोई भी ढोकला वगैरह या कुछ भी स्टीम करते हैं तो सबसे पहले पानी जो है उबलता हुआ हमें चाहिए रहता है, तभी अच्छे से जाली उसमें आ सकती है, नहीं तो वो जो है नीचे बैठ जाता है और बैटर मतलब जो है हमारा वो कुछ भी अच्छे से बनता नहीं है। तो इस वजह से तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट के बाद इसे निकाला है और ठंडा कर दिया है 1/2 घंटे तक। अभी इसे काट लेंगे हम, आपको जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में काट सकते हैं। ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इसके साथ जो आलू की चटनी रहती है वो भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो है थोड़े से अलग स्टाइल में इसे सर्व किया है, मैं आपको इसका पीस दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे इसमें जाली आ चुकी है और एकदम स्पॉन्जी बना है। ये ढोकला ही है चावल का, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ढोकले से ज़्यादा। ढोकला तो हम हर बार खाते हैं, लेकिन ऐसा नाश्ता आप ज़रूर से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो तेल डाला है मैंने, तेल गर्म होने के बाद सरसों डाली है, इसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देंगे और करी पत्ता डाल देंगे। ये सिंपल से तड़का, तड़के में हम ये स्पीसीज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाली है, इसका कलर ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे बारीक काट कर, और इसे मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसके साथ मैंने एक चटनी बनाई है, ऑलरेडी वो वाली चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, शॉर्ट भी मैंने उस पर डाला है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और वो जो चटनी है मैं इस पे इसके ऊपर डालूँगी, मतलब अलग से सर्व नहीं की है मैंने, इस तरह से एक प्लेट में इस ढोकले को निकाल लिया है और ऊपर से इस तरह से चटनी डालेंगे। अगर आपके पास टोमेटो केचप है तो वो भी ऊपर से डालिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो तैयार है हमारा आज का नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।